हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी तो आपने अलग बनवा ली है या फिर अलग बना ली है स्प्लिट ऑप्शन के माध्यम से, लेकिन दोस्तों जो नई फैमिली आईडी बनी है उसमें अब आपको एक दिक्कत आ रही है कि आपकी जो फैमिली आईडी है वो डाउनलोड नहीं हो पा रही है, उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों इस समस्या का अब आप समाधान कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और फैमिली आईडी अलग होने को लेकर जो समस्या आ रही है उसके बारे में देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों अगर आपने अपनी फैमिली आईडी को अलग बना लिया है यानी स्प्लिट ऑप्शन के माध्यम से अपने परिवार को अलग कर लिया है, अपनी फैमिली आईडी को अलग कर लिया है अपने परिवार से, लेकिन दोस्तों अलग होने के बाद अब उसे आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं, जब आप ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है। मोबाइल नंबर नोट फाउंड, प्लीज विजिट नियरेस्ट सीएससी सेंटर फॉर अपडेट योर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों अब समस्या तो आपको पता चल गई है कि क्या है, कि आपका मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ दिक्कत है, आपको नियरेस्ट सीएससी सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है, खुद आप अपडेट कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को। अब दोस्तों यह समस्या आपके सामने क्यों आई? तो दोस्तों जब आप अपनी फैमिली आईडी को अलग करते हैं और उसमें जितने भी सदस्य आपने अलग किए हैं तो उनकी जो डिटेल होती है उसमें से ऑटोमेटिक जो मोबाइल नंबर हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ताकि दोस्तों डुप्लीकेट मोबाइल नंबर वाला इशू जनरेट न हो आपकी फैमिली आईडी के अंदर और जो पहले वाली फैमिली आईडी है उसके अंदर। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी फैमिली आईडी को अलग बना लेते हैं और आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट बाद में नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए आपके जो मोबाइल नंबर है वो पहले ही हट जाते हैं। और फैमिली आईडी का रूल है कि एक जैसा मोबाइल नंबर दो फैमिली आईडियों में नहीं होना चाहिए, इसलिए दोस्तों जो पुरानी वाली फैमिली आईडी थी उसमें जो मोबाइल नंबर आपने पहले से दे रखा है वो अब आपको जो आपने नई फैमिली आईडी बनाई है उसमें किसी भी सदस्य की डिटेल में वो नंबर आपको नहीं देना है, अलग नया नंबर आपको देना है यानी नया नंबर आपको अपडेट कर देना है। अपडेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इसके लिए आपको परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट पर जाकर सिटीजन कॉर्नर ऑप्शन के माध्यम से अपडेट मोबाइल नंबर ऑप्शन के अंदर अपना आधार नंबर नया मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है, आधार कार्ड का ओटीपी जनरेट हो जाएगा वो ओटीपी फिल करना है, फिर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजना है वो ओटीपी फिल करना है और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये मैंने एक अलग वीडियो में बता रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस वीडियो को देखकर आप सीख पाएंगे कि आप अपनी फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दिक्कत आपके सामने आ रही है ये मोबाइल नंबर से संबंधित आ रही है, मोबाइल नंबर के कारण आ रही है, यानी जो आपकी अलग फैमिली आईडी बनी है उसमें अब किसी भी सदस्य की डिटेल में मोबाइल नंबर मौजूद नहीं है। अब दोस्तों आपको बारी बारी से मोबाइल नंबर अपडेट कर लेना है और आप अपनी फैमिली आईडी को फिर निकाल पाएंगे। अब दोस्तों जो इनरोलमेंट नंबर है उसके माध्यम से आप अपनी फैमिली आईडी को ओपन कर सकते हैं, प्रिंट पीपीपी फॉर्म स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं, फिर आपने जो मुखिया बनाया है उस पर उसके हस्ताक्षर करवाने हैं, फिर वो जो डॉक्यूमेंट है उसका पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है, फिर आपका जो फैमिली आईडी नंबर है वो जनरेट हो जाएगा और आप अपनी फैमिली आईडी का प्रिंट निकाल सकते हैं और उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समस्या का आप इस प्रकार समाधान कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।